नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं हर जगत की बड़ी खबरों पर। मोदी को टॉप 10 अपराधियों में दिखाने पर गूगल को नोटिस। इलाहाबाद की अदालत ने गूगल के सीईओ और हेड से मांगा जवाब। 2014 में भी गूगल ने मोदी को दिखाया था मूर्ख पीएम की लिस्ट में। सिद्धि विनायक मंदिर ने खोला अपना डीमैट अकाउंट। अब श्रद्धालु शेयर के जरिए कर सकेंगे दान। मंदिर के पास लगभग 158 किलो सोना और 125 करोड़ की एफडी मिली। 4G लॉन्च होने से पहले रिलायंस जियो का बड़ा ऑफर। सभी हैंडसेट कंपनियों पर जियो की 3 महीने के फ्री डेटा स्कीम। 4G सर्विस का कमर्शियल लॉन्च इसी साल होने की उम्मीद। मजबूती के साथ खुला बाजार। सेंसेक्स 90.84 अंकों की बढ़त के साथ 27,878 अंकों पर पहुंचा, तो वही निफ्टी 0.2% मजबूती के साथ 8,550 के पार। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट। 5 पैसे की कमजोरी के साथ 67.15 पर खुला बाजार। मंगलवार को 67.10 पर बाजार हुआ था बंद। 13 सहकारी बैंकों को मिलेगी 22,915 करोड़ की फंडिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस फंडिंग में होगा सबसे ज्यादा फायदा। लोन बांटने के लिए SBI को दी गई 7,575 करोड़ की राशि। अर्थ जगत में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।